please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पाकिस्तान ने दशकों से दुनिया के लिए जो गड्ढा खोदा, अब वो उसी में गिर गया है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई, चीन से दोस्ती बढ़ाकर अपना देश ही उसके आगे गिरवी रख दिया। इतना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ही बिछाई जो बिसात है उस पर चित हो गया है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इस झटके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, उसका 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अब पाकिस्तान इस नुकसान का मातम मना रहा है। पाकिस्तान के काम न आया आतंकवाद, भारत के खिलाफ साजिशों में हुआ चित, दुनिया में भी आतंक पर लगाम लगाने के लिए कसा शिकंजा। एक के बाद एक झटके से उड़ चुके हैं पाकिस्तान के होश और अब छिन गया है उसका आखिरी सहारा। चीन जैसे भरोसेमंद साथी ने भी पाकिस्तान से खींचा हाथ। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने पहले आतंकवाद को हथियार बनाया, इससे भी जब वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सका तो उसने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके लिए उसने अपना देश ही चीन के कदमों में रख दिया। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। सीपैक से जो कमिटमेंट है या एंथुसियाज्म जो चीन का था उसमें कुछ कमी आई। पहली बात तो चाइना को ही समझना चाहिए, अपने गिरेबान में जरा झांकना चाहिए कि सबसे ज्यादा करप्शन चाइना के अंदर मेरे हिसाब से है। पाकिस्तान मीडिया में चीन के जिस फैसले से इस कदर खलबली मची है वो ऐसा फैसला है जिससे एक झटके में पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उसे रातों रात इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई है, क्योंकि ये नुकसान 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। पाकिस्तान में मचे हाहाकार की वजह है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक फैसला, जिसके तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के लिए चीन ने पैसे देने पर रोक लगा दी है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए CPEC ऐसी परियोजना है जिससे वो अपने देश की तकदीर बदलने का ख्वाब देख रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था और भविष्य दोनों ही इस परियोजना के दम पर सांस ले रहे थे। अब चीन के इसे हाथ खींचने के बाद पाकिस्तान को अपना वजूद ही खत्म होने का खतरा सता रहा है। अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ये काम कर रहा है, तो जब चीन को लगता है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसको इतना इकोनॉमिक फायदा नहीं होने वाला, जो उसको नुकसान होने वाला है, तो नेचुरली वो सोचेगा। CPEC करीब 6,000 करोड़ डॉलर की परियोजना है जिसके तहत चीन से पाकिस्तान को एक आर्थिक गलियारे से जोड़ा जा रहा है। ये परियोजना चीन के काशगार प्रांत से शुरू होकर गिलगित बाल्टिस्तान, पेशावर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए कराची के ग्वादर बंदरगाह तक जाएगी। परियोजना के तहत इस पूरे इलाके में चीन की मदद से रेल और सड़क का नेटवर्क बनाया जाएगा, साथ ही बहुत से उद्योग धंधे भी लगाए जाएंगे। पाकिस्तान इस परियोजना से अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देखता था। इस परियोजना से पाकिस्तान की ऊर्जा की जरूरत पूरी होने वाली थी, लेकिन चीन के अचानक फंडिंग बंद करने से पाकिस्तान का ख्वाब टूट गया है। पाकिस्तान तो या तो किसी दूसरे मुल्क के खरात पे ही जीता, अपने तो उसके पर कुछ है ही नहीं है, तो अगर चीन भी खरात रोक देगा तो पाकिस्तान का जो हाल होगा तो बस अल्लाह ही बचा सकता है पाकिस्तान को। चीन ने CPEC के तहत चल रही 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं को फिलहाल बंद किया है। इसकी जानकारी पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री एहसान इकबाल ने दी, हालांकि उन्होंने इसकी वजह का जिक्र नहीं किया। चीन ने CPEC की 3 अहम परियोजनाओं को बंद कर दिया है। वो इन परियोजनाओं में पैसों के लेन देन के तरीके पर विचार कर रहे हैं। इस बारे में चीन सरकार के फैसले के बाद ही इन्हें शुरू किया जा सकेगा।
पाकिस्तान चीन के फैसले की वजह जानबूझकर नहीं बता रहा है, क्योंकि इससे उसकी पोल खुल जाती है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार की वजह से चीन यहाँ कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। इससे परेशान होकर उसने इसे बंद करने का ऐलान किया है। अब चीन चाहता है कि अगर ये परियोजना शुरू भी होती है तो पाकिस्तान सेना की देखरेख में काम किया जाए। भ्रष्टाचार तो पाकिस्तान आर्मी में भी उतना ही है जितना कि वहां की सिविल हुकूमत में है। तो अगर भ्रष्टाचार के कारण चीन ने इसको रोका है और सोच रहा है कि वो फौज को देकर इसको चला लेगा, तो मुझे लगता है कि चीन किसी गलतफहमी में है। भ्रष्टाचार के अलावा भी चीन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर परेशान है। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान की करतूतों की पोल खुल रही है, उससे चीन को ये डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान के दाग उसके दामन में भी न लग जाएं। इसीलिए वो किसी भी तरह से पाकिस्तान से किनारा करना चाहता है। सीपीईसी परियोजना पाकिस्तान के लिए अगर उसके वजूद का सवाल है तो चीन के लिए भी ये बेहद अहम है। इसके बावजूद चीन ने इस पर रोक लगा दी। जाहिर है चीन को अब ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करके वो बुरी तरह फंस गया है। अब वो इस कोशिश में है कि कम से कम नुकसान सहकर पाकिस्तान से पीछा छुड़ाया जाए। इसके लिए अब चीन सरकार नया फार्मूला तलाश रही है। पाकिस्तान से हाथ मिलाकर बढ़ा चीन का सिरदर्द। पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर का निवेश कर फंसा चीन अब पाकिस्तान से किनारा करने से परेशान है। चीन पाकिस्तान पर 6000 करोड़ डॉलर का दाव लगाकर चीन अब बुरी तरह फंस चुका है। जैसे जैसे चीन की परियोजना आगे बढ़ रही है, वो पाकिस्तान की ऐसी ऐसी हकीकत से रूबरू हो रहा है जिससे उसके होश उड़ गए हैं। भ्रष्टाचार के अलावा चीन की दूसरी परेशानी है पाकिस्तान का आतंकवाद, जो अब चीन के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। सीपीईसी परियोजना शुरू होते ही आतंकियों के निशाने पर रही है। चीन इससे काफी परेशान भी था, लेकिन हाफिज सईद की रिहाई के बाद अब परियोजना में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब आतंकी चीन की कंपनियों को डरा धमका कर उनसे पैसे ले रहे हैं। पाकिस्तान में हाफिज जैसे आतंकी आका चीन के लिए इसलिए भी सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि सीपीईसी परियोजना की वजह से चीन में आतंक का गढ़ बनने का खतरा मंडरा रहा है। सीपीईसी की शुरुआत चीन के काशगर से होती है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत में है। इस इलाके में 90% लोग विगर मुसलमान है। विगर मुसलमान काफी समय से चीन का सिरदर्द बने हुए हैं। सीपीईसी परियोजना की वजह से विगर मुसलमान पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के संपर्क में आ रहे हैं, जिन्हें वो आतंकी बना रहे हैं। ये चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। बहुत पहले से मालूम है कि जो उगयुर प्रोविंस के अंदर दहशतगर्द हैं, उनको शह पाकिस्तान से मिलती है, लश्कर तैयबा से मिलती है, जैश मोहम्मद से मिलती है, और वो लोग पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके के अंदर ट्रेनिंग पाते हैं। पाकिस्तान ने चीन को अंधेरे में रखकर सीपीईसी का समझौता किया था। उसने चीन को ये नहीं बताया था कि इसे लेकर उसके देश में बगावत और तेज हो सकती है, क्योंकि सीपीईसी जिन रास्तों से गुजरता है वहां दशकों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है। सीपीईसी के लिए पाकिस्तान ने जब यहां की जनता पर जुल्म बढ़ाए तो बगावत की चिंगारी और भड़क गई। गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान दोनों मिनरल रिच स्टेट्स हैं, इनमें इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, और उनका कहना यह है कि आप हमारी ज़मीनें ले रहे हैं, हमें मुआवजा तक नहीं दे रहे, हमारे नौजवानों को उसमें सीपैक में कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर चीन इस बात को मान लेता है तो फिर तो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। आतंक की सरजमी पर करोड़ों रुपए दाव पर लगाकर चीन बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसे आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है,
तो दूसरी ओर दुनिया के अलग अलग मंचों पर भी उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन चीन अब अपनी परियोजना में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो एक झटके में इसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकता है। इसीलिए अब वो ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे पाकिस्तान से निजात भी मिल जाए और नुकसान भी कम से कम हो। चीन को पाकिस्तान से हाथ मिलाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक तरफ उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बदनामी हो रही है क्योंकि आतंकवाद की वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान से दूरी बना रही है। ऐसे में जब चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो दुनिया उसे आतंकवाद के मददगार के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान से हाथ मिलाकर पछता रहा है चीन। एक तरफ अरबों डॉलर का हो रहा है नुकसान, दूसरी ओर दुनिया में भी हो रही है चीन की बदनामी। पाकिस्तान के साथ करोड़ों डॉलर का समझौता करके चीन अब बुरी तरह पछता रहा है क्योंकि पैसों के नुकसान के साथ ही उसे बदनामी का दाग भी झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंक का गढ़ मानती है। चीन के पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद अब चीन को भी दुनिया आतंक के मददगार के तौर पर देखने लगी है। इससे चीन काफी परेशान है। पाकिस्तान के खिलाफ है दुनिया, वर्ल्ड ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि पीओजे के अंदर ना सिर्फ ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही है लेकिन उनके इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन भी कर रहा है जिसमें कि कहीं ना कहीं चीन का भी बदनामी हो रही है। जिनपिंग के दोबारा गद्दी संभालते ही चीन के रुख में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। उत्तर कोरिया को लेकर चीन पहले ही अपना रुख कड़ा कर चुका है। चीन की नीति में हो रहे इस बदलाव को सीपीईसी पर उसके फैसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ चीन की दुगली नीति है। कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जाए, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की मिलिट्री की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक मदद जो है वो चीन कर रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर एशिया में एक नया गुट तैयार कर रहा था लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत देखकर वो समझ चुका है कि ये फैसला आने वाले दिनों में उसके लिए और भी घातक हो सकता है। इसीलिए अब वो धीरे धीरे पाकिस्तान से हाथ खींच रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ट्वीट कर गुजरात के लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। राहुल ने इस चुनाव को गुजरात की जनता के लिए नव सृजन करार दिया। राहुल गांधी ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि गुजरात में नव सृजन की शुरुआत हो चुकी है, आपका एक एक वोट लोकतंत्र नीत को सुदृढ़ और सशक्त बनाएगा। गुजरात की जनता से अपील है कि गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए अधिक से अधिक वोट करें। वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अपील की लोगों से, जनता से, कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ उन्होंने बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि गुजरात में नव सृजन की ये शुरुआत है और आपका एक एक वोट लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ और सशक्त बनाएगा। उधर गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। करीब 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 851 उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला करेंगे। इस चरण में उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे।